जग हसे हमारोए कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हमारोए ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए कबीरा हसे जग रोए। सभी भक्तों के प्रति सभी संतों के प्रति प्रणिपात सादर करता हूं। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज के वातावरण की तरफ यदि दृष्टिपात करें तो प्रत्येक दिवस कुछ ना कुछ श्रवण करने के लिए प्राप्त हो ही जाता है, कुछ ना कुछ दुख भरी सूचना प्राप्त हो ही जाती है। बात कड़वी है मगर सच है, बात कड़वी है मगर सच है, मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे अधिकरण को अपने भाव सुमन समर्पित करने के लिए, जो अधिकरण जब भी जिस भी स्थिति के अंदर जिस व्यक्ति ने जिस समय उनको देखा होगा, उनके दर्शन किए होंगे, तो समय एक बात अवश्य देखी होगी कि उनके गले के अंदर मोटे मोटे मनकों की माला है। आप समझ चुके होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। हाथ के अंदर माला को लेकर वो स्मरण में तत्पर रहते हैं, वाणी का प्रयोग उतना ही करते हैं जितनी आवश्यकता होती है। बहुत सारे संत सम्मेलनों के अंदर, संत समागमों के अंदर हमने ऐसे अधिकरण का दर्शन किया हुआ है, लेकिन हाँ खंत खेद की बात, वो संत आज हमें छोड़कर चले गए। जी हाँ, मैं यहां पर बात कर रहा हूं परिमंडल्य आचार्य कैवल्यवासी परम पूज्य परम आदरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय श्री बड़े बाबा जी, जिनको संत समाज के अंदर परम पूज्य परम आदरणीय प्रातस्मरणीय श्री लासुरकर बाबा जी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज दुर्दैव, आज का समय ऐसा कि बड़े बड़े संत परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो रहे हैं। इसीलिए जाना तो सभी ने है, प्रत्येक व्यक्ति जाएगा, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे जाते हैं मानो शरीर ही नष्ट हुआ हो, बाकी कुछ नष्ट नहीं हुआ हो। क्योंकि अच्छे लोग दिलों में इस तरह उतर जाते हैं, अच्छे लोग दिलों में इस तरह उतर जाते हैं कि मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य बाबा जी, जो इस नश्वर देह का तो परित्याग करके गए, लेकिन हमें सुशिक्षित कर गए, हमें अपने जीवन से आचरण को प्रदान कर गए कि संतो तुमने जीवन कैसे जीना है, तुमने आगे जाकर परमात्मा को प्राप्त कैसे करना है, ये ज्ञान अपने आचरण से हमें देकर वो गए हुए हैं। विशेषता परमात्मा का स्मरण, दूसरी विशेषता जितनी आवश्यकता होती थी उतना बोला करते थे, कभी अधिक बात नहीं किया करते थे। मेरे जीवन के अंदर श्री बाबा जी के साथ उनका सानिध्य कुछ समय के लिए मुझे प्राप्त हुआ। दिल्ली श्री गीता आश्रम पीतमपुरा मंदिर का एक कार्यक्रम, जिसकी झलकियां
आज भी मुझे कुछ स्मरण हो आती है। उस समय नए नए तौर पर मैं मंदिर श्री जय कृष्ण के संचालक के रूप में बाहर अपने पाँव को पसारने के लिए, अपने पाँव को रखने के लिए मैं तत्पर हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। नया नया वो संचालन पद को संभालने का वो कारभार। उस समय की बात है जब दिल्ली पीतमपुरा मंदिर में वार्षिक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम के अंदर पूज्य श्री बाबा जी पधारे हुए हैं। उसी कार्यक्रम के अंदर कैवल्यवासी परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्वनीय कवीश्वर कुलाचार्य श्री कारंजकर बाबा जी पधारे हुए हैं। परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री बिड़कर बाबा जी, बड़े बाबा जी रनाइचे, वो भी पधारे हुए हैं। और उस समय सर्वप्रथम प्रवचन करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। मन में एक कौतुकता का भाव था कि आज इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैंने कुछ सुनाना है, कुछ वक्तव्य करना है। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी कहते हैं कि अपने आचार को शुद्ध करके जब लगे कि आचार में शुद्धता आ चुकी है तो अपने गुरुजनों को वो आचार बतलाना चाहिए। मेरे मन में भी भाव पैदा हुआ कि आज बड़े बड़े अधिकरण सुनने के लिए बैठे हुए हैं और मैंने अपने कुछ विचारों को जन कल्याण के लिए प्रस्तुत करना है। तो वहां पर परमात्मा की कृपा से परमात्मा के तत्व को कथा के माध्यम से व्यक्त किया। प्रवचन समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद कार्यक्रम भी समाप्त हुआ और बाबा जी मुझे ढूंढते ढूंढते आए कि वो जो नया नया एक लड़का था, नया नया महात्मा था जिसने पहला प्रवचन किया था, वो है कौन और उसे मैं जाकर बात करूं कि तुम हो कौन। खैर, बाबा जी की और मेरी मुलाकात हुई और बाबा जी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे गुरु कौन है और तुमने जो कथा कही उसको सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ। ये बाबा जी ने जैसे ही अपने मुख से उद्गार प्रकट किए तो मन में एक शांति की लहर दौड़ पड़ी। कुछ अच्छा लगा कि किसी विद्वान ने एक छोटी सी बात की प्रशंसा करी, छोटे से व्यक्ति की प्रशंसा करी। और बाबा जी ने एक और बात वहां पर कही कि मैं अमृतसर अवश्य आऊंगा। हालांकि मुझे दंडवत डालनी चाहिए थी, मुझे आमंत्रण देना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग न कर पाया, मैंने निमंत्रण नहीं दिया। फिर भी अपने बड़प्पन को सिद्ध करते हुए बाबा जी स्वयं बोल उठे कि मैं अमृतसर अवश्य पधारूंगा। ऐसा दया का भाव, ऐसा बड़प्पन शायद ही किसी किसी के अंदर हमें देखने को प्राप्त होता है। लेकिन दुख की बात, ऐसे अधिकरण हमें छोड़कर चले गए। बिछड़ा कोई इस अदा से के रुत ही बदल गई, बिछड़ा कोई इस अदा से के रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। उनके जाने का दुख, यद्यपि परमात्मा कहते हैं नानुशोचन्ति पंडिताः, जो पंडित होते हैं वो दुख नहीं करते, लेकिन क्या करें, जब सिर से गुरुजनों का साया उठ जाए, जब सिर से बड़ों का हाथ उठ जाए तो दुख अवश्य होता है। इसीलिए जैसे भी हो कैसे भी हो, बड़े बाबा जी का इस प्रकार इस समय के अंदर हमें छोड़कर जाना एक दुख की बात है, किंतु फिर भी परमात्मा उन्हीं व्यक्तियों को शीघ्र बुलाते हैं जो सत्कर्मी होते हैं। जो व्यक्ति अधिक सत्कर्म के माध्यम से पुण्य प्रतापी हो जाते हैं तो परमात्मा भी उन व्यक्तियों को जल्दी उनका चरितार्थ करने के लिए उन्हें इस भवसागर से तार देते हैं, भवसागर से पार देते हैं। और हम जैसे जो पापी होते हैं वो इस संसार रूपी सागर के अंदर हिलोरे खाते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि हमें इस संसार से प्रेम है। उन्हें संसार से प्रेम नहीं था, उन्हें परमार्थ से प्रेम था, उन्हें परमात्मा के साथ प्रेम था।
गले में बड़ी माला डालती हैं। क्यों डालते हैं? डालने के लिए इतने धन संपदा परमात्मा ने दे रखी है कि स्वर्ण की माला धारण कर सकते हैं, रजत की माला धारण कर सकते हैं, लेकिन नहीं, परमात्मा के नाम की माला को धारण करते हैं। भाई मैं भी स्मरण करता हूं, तुम भी स्मरण करो। अब उनकी वेशभूषा ही ऐसी है कि वो भी जीवात्माओं को आचरण में लगा देती है कि मैं भी स्मरण करने की कोशिश करता हूं, तत्पर हूं, तुम भी स्मरण करने का उद्यम करो, क्योंकि स्मरण से ही ईश्वर साध्य है, स्मरण से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे अपने आचरण से जीवात्माओं को शिक्षा देने वाले जो बड़े बाबा जी हैं, परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय कैवल्यवासी आचार्य प्रवर पारिमांडल्य आचार्य श्री लासूकर बाबा जी हम सबके बीच में नहीं रहे, जिसका शोक हमें आज भी रहेगा और आने वाले समय के बीच में भी रहेगा। अब मैं नहीं रोता, मेरा दिल रोता है। इन्हीं उद्गारों के साथ मंदिर श्री जय कृष्णिया अमृतसर की तरफ से एवं मंदिर श्री जय कृष्णिया अमृतसर के संपूर्ण सभी पदाधिकारियों की तरफ से, संपूर्ण जनता की तरफ से, परम पूज्य परम आदरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री बड़े बाबा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। परमात्मा साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अवश्य ही उन्हें प्रेम प्रदान करेंगे, अपना सन्निधान प्रदान करेंगे, ऐसी मुझे शाश्वती है। और एक बात आपको यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ कि किसी एक संत ने इस जीवन के बारे में बहुत सुंदर एक बात कही थी कि ये जीवन क्या है, ये जीवन एक पुस्तक की न्यायी है जिसका पहला पन्ना और अंतिम का पन्ना परमात्मा निश्चित करते हैं। पहले का पन्ना अर्थात जन्म और अंतिम का पन्ना अर्थात मृत्यु परमात्मा डिसाइड करते हैं, लेकिन परमात्मा ने बीच की सारी किताब को कैसे रखा हुआ है, बिल्कुल कोरी किताब रखी हुई है। परमात्मा ने जीवात्मा को बुद्धि दी और कहा कि इस किताब को, कोरे पन्नों को तुमने भरना है। कोई सत्कर्म से भरता है तो कोई असत्कर्म से भर देता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे शब्दों को नहीं लिखता है, वो रफ कॉपी बन जाती है, और कोई व्यक्ति अपनी उस नोटबुक के ऊपर सुंदर सुंदर सुलेख लिखता है, वो अच्छी किताब बन जाती है। नोटबुक जो जिसके ऊपर अच्छी बातें नहीं लिखी गई वो कैसी है, वो रद्दी में चली जाती है, कबाड़ में चली जाती है, और जिसके ऊपर अच्छी बातें लिखी जाती हैं लोग उसका सम्मान करते हैं, उसको अच्छी तरह से रखते हैं। बस मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी एक कोरे कागज की नोटबुक है, इसके ऊपर अच्छी अच्छी बातों को लिखकर, सत्कर्मों को लिखकर हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। और यही बात श्री बड़े बाबा जी हमें समझा कर गए कि हे जीवात्माओं, सत्कर्म करो, सत्संगति करो, सज्जनों की संगति करो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने ध्येय को धारण करो। यही बात हमें बतलाते बतलाते अपने इस जीवन को परमार्ग के लिए समर्पित करके, अपना कार्य संपन्न करके, संपूर्ण करके, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए श्री बड़े बाबा जी चले गए हैं। तो पुनः उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपने दो शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी साधक वृंदों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ, आशा करता हूँ स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रभु।